पीएम मोदी ने कहा कि रैली में आने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरी कोशिश की। वहीं रैली मैदान में टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से बनाया गया यह मंच उनके विनाश का स्मारक है। यह बात पश्चिम बंगाल के कोचबिहार में पीएम मोदी ने कही। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी आजकल चैन से सो नहीं पा रही। उन्होंने कहा आजकल उन पर गालियों की बौछार हो रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को दीदी के कब्जे से मुक्त करवाना है। मोदी ने कहा कि आप जितना मोदी मोदी करते हैं दीदी की बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही है। मोदी ने कहा राजनीति में जमीन खिसकना क्या होता है, अगर किसी को समझना हो तो दीदी की बौखलाहट दीदी का गुस्सा देख करके समझ सकते हैं। मुझ पर आजकल गालियों की जो बौछार हो रही है, चुनाव आयोग पर वो जिस तरह भड़क रही है उससे पता चलता है कि दीदी कितनी डरी हुई है। बिहार के समृद्ध और गौरवशाली धरती थे, आप सभी साथियों को, पूरे उत्तर बंगाल के साथियों को मेरा प्रणाम। राजवंशी समाज की धरती और उनके गौरवमय इतिहास को भी मैं नमन करता हूं। कुछ बिहार में अनुकूल ठाकुर जी के भी बहुत अनुयायी हैं। झारखंड के देवघर में महादेव अनुकूल ठाकुर की पुण्य भूमि है। मैं आदरपूर्वक देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।